अक्सर महिला यही सोचती है कि किसी टीवी के कार्यक्रम में मेरा किचन दिखाया जाएगा तो कितना ऑड लगेगा। संकोच तो लगेगा ही, माने या ना माने, पर हकीकत तो यही है दोस्तों, कहीं यार दोस्तों में हंसी ना उड़े। अरे भाई हमें ये बताए, जिस किचन में काम होगा वही तो ना छींटे उड़ेंगे। होली हो और रंग न लगे, दिवाली हो और फटाके का धुआं भी न हो, यह धब्बे ही तो पहचान है आपके रसोई की, आपके हाथ के स्वाद का अंजाम। आपकी रसोई वही देखने हम आ रहे हैं, आपके घर आपके संग आपकी रसोई खाएंगे हम। मिलते हैं आपकी रसोई में साहित्य टाइम्स पर। आपकी रसोई हमारी रसोई साहित्य टाइम्स पर। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साहित्य टाइम्स में। मैं हूँ सृष्टि सिंह और आप सभी देख रहे हैं अपनी रसोई, जहाँ आपको प्रतिदिन एक से बढ़कर एक रेस्टोरेंट स्टाइल ढाबा स्टाइल रेसिपी आपके बीच लेकर आते हैं, आपको शेयर करते हैं, जिसको देखकर आप बनाते हैं अपने स्टाइल में, अपने हिसाब से, अपने घर वालों के लिए, जिसको बनाने में तो आपको मज़ा आता ही है, आपके घर वालों को खाने में उससे भी मज़ा आता है। क्योंकि कहा जाता है ना कि रेस्टोरेंट का खाना जितना भी अच्छा क्यों ना हो, घर के खाने के बराबर वो कभी भी टक्कर नहीं दे पाता, क्योंकि घर के खानों में एक प्यार छिपा हुआ रहता है, जो कि रेस्टोरेंट के खाने में हमें वो प्यार नहीं मिल पाता है। तो आज जो हम रेसिपी लेकर आए हैं वो है दाल बुखारा का, जो उज्बेकिस्तान का बहुत ही फेमस डिश है। दाल बुखारा या दाल मखनी में ज़्यादा अंतर नहीं है, दाल बुखारा आपका उड़द दाल से बनता है लेकिन उसमें राजमा नहीं पड़ता है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कैसे आप दाल बुखारा बनाएं, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और देखने में भी बहुत ही स्वादिष्ट होता है। तो चलिए देखते हैं आज के फुल एपिसोड। मैं आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी और क्रीमी दाल बुखारा बनाना बताती हूँ कैसे बनाई जाती है। ये दाल खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, आप इस दाल को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को ये दाल बहुत ज्यादा पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। दाल बुखारा बनाने के लिए एक कप मैंने साबुत काली उड़द की दाल ली है। ये दाल इस तरीके की होती है। इस दाल को मैंने 3 से 4 बार पानी से धोया, धोने के बाद ओवरनाइट पानी में भिगो दिया जिससे कि दाल फूल जाए। अब ये दाल फूल करके तैयार हो गई है। इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था वो मैंने छलनी से छान करके निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमें किस टाइप की फूली हुई दाल चाहिए। देखिए मैं इस दाल को दबा रही हूँ तो ये दाल दब रही है, बस हमें इसी टाइप की फूली हुई दाल चाहिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दाल को बॉईल करेंगे, इसके लिए मैंने गैस पे कुकर रख दिया है। अब मैं इसमें दाल डाल देती हूँ। अब मैं इसके अंदर 4 कप करीब पानी डाल देती हूँ। नमक टेस्ट के अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब मैं सभी चीजों को मिक्स कर देती हूँ। अब मैं कुकर को बंद कर देती हूँ। अब मैं गैस को ऑन कर देती हूँ। दाल को 5 से 6 बिसलाने तक बॉईल करूंगी। छह बिसल आ गई है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, कुकर को ठंडा होने देती हूँ। जब तक कुकर ठंडा हो रहा है हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने गैस पे पैन रख दिया है। अब मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच देसी घी डाल देती हूँ। आप देसी घी की जगह बटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। घी को गर्म होने देती हूँ। घी गर्म हो गया है। अब मैं इसके अंदर 2 पिंच हींग डालूंगी, 1 टीस्पून जीरा। जीरा भुन गया है। ये मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है वो डाल देती हूँ। अब मैं इसको भून लेती हूँ। हमें इस पेस्ट को हल्का ही भूनना है। अदरक और लहसुन भुन गया है। ये मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटर लिए जिसे मिक्सी से पीस करके प्यूरी बना ली है वो डाल देती हूँ। प्यूरी को मसाले के अंदर मिक्स कर देती हूँ। गैस को मैंने स्लो मीडियम कर दिया है। मैं इस टमाटर को जब तक भूनूंगी जब तक ये इसके अंदर से घी सेपरेट ना हो जाए। जब तक ये मसाला भुनना है हम दाल को देख लेते हैं। अब ये कुकर भी ठंडा हो गया है। अब मैं इसे खोल लेती हूँ।
अब ये दाल भी बॉइल हो गई है। अब मैं इस मैशर से दाल को थोड़ा सा मैश कर लेती हूँ। अगर आपके पास मैशर नहीं है तो आप इसे स्पून से भी मैश कर सकते हैं। अब ये दाल मैश हो गई है, हमें बस इसी टाइप की दाल चाहिए। अब हम मसाले को देख लेते हैं। अब ये मसाला भी भुन गया है, मसाले ने घी भी छोड़ दिया है। मैं इसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल देती हूँ। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार थोड़ी सी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर। अब मैं मसाले को मिक्स कर देती हूँ, मसाले को कुछ सेकंड के लिए भून लेती हूँ, जिससे कि मसाले के अंदर जितना भी कच्चापन होगा वो निकल जाएगा। मसाले भी भुन गए हैं। अब मैं इसके अंदर दाल को डाल देती हूँ। दाल को मसाले में मिक्स कर देती हूँ। दाल को मसाले में अच्छे से मिक्स करना है। मुझे ये दाल अभी गाढ़ी लग रही है, क्योंकि मैं दाल को 20 से 25 मिनट करीब स्लो गैस पे पकाऊंगी। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप पानी डाल देती हूँ। पानी को दाल के अंदर मिक्स कर देती हूँ। अब मैं दाल को ढक देती हूँ, गैस को स्लो कर देती हूँ। हम इस दाल को जितनी ज्यादा देर तक स्लो गैस पे पकाएंगे, दाल उतनी ही ज्यादा टेस्टी बनके तैयार होती है। 25 मिनट करीब हो गए हैं। अब मैं दाल को मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इस दाल को और भी ज्यादा क्रीमी और टेस्टी बनाने के लिए 3 टेबल स्पून मलाई डाल देती हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इसकी जगह क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा बटर, इससे दाल का टेस्ट बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ये दाल खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप एक बार इस दाल को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये दाल बहुत ज्यादा पसंद आएगी। मैं सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसके अंदर 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देती हूँ। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, इसको मैं हाथ से क्रश करके डालूंगी। कसूरी मेथी डालने से फ्लेवर अच्छा आता है। अब मैं सभी चीजों को मिक्स कर देती हूँ। अब मैं इस दाल को ढक देती हूँ और 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेती हूँ। और गैस को मैंने स्लो ही रखा है। 3 मिनट करीब हो गए हैं। आप देख पा रहे हैं ये दाल भी बनके तैयार हो गई है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। धनिया को मिक्स कर देती हूँ। आप देख पा रहे कितनी क्रीमी दाल बनके तैयार हुई है। ये दाल खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको दाल को सर्व करके दिखाती हूँ। आप देख पा रहे कितनी क्रीमी दाल बुखारा बनके तैयार हुई है। ये दाल खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। आप इस दाल को एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये दाल बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप इस दाल को रोटी, पराठे, नान, चावल आप किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये दाल सभी के साथ खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। ये दाल बिल्कुल लग रही है ना रेस्टोरेंट जैसी। अभी आप देख रहे थे दाल बुखारे बनाने की विधि। आपके बीच एक और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा रेसिपी लेकर आ चुका है, वो है बेल की शेक की। बेल एक ऐसा फ्रूट है जो नॉर्मली बहुत किसी को पसंद नहीं आता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा पसंद नहीं आते, उसको देखने में ही पसंद नहीं आते, बहुत बच्चों को या बड़े को भी खाने में पसंद नहीं आता है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि आप ऐसा क्या करें जिसके वजह से आपके बच्चे हो या आपके पति हो या आपके भाई बहन हो, पूरे बेल को चटपट करके ख़त्म कर पाए। तो आज हम आपको दिखाने वाले बेल की शेक को, बेल के शरबत आप कैसे बनाएं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम आ रहा है और बेल एक ऐसा चीज़ है जो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, पेट को ठंडक देता है, गले को भी ठंडक देता है। तो हम आपको दिखाने वाले बेल की शरबत की विधि, तो चलिए देखते हैं आज के फुल एपिसोड। आज मैं आपको
बेल का मिल्क शेक बनाना बताती हूँ कैसे बनाया जाता है। ये पीने में बहुत टेस्टी लगता है, आप इसको इजिली घर में बना सकते हैं। जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में इन दिनों बहुत बेल आ रही है, आप मिल्क शेक बना के पिए। और ये मिल्क शेक शरीर को ठंडक तो देते ही है और शरीर को बहुत ज्यादा फायदा करता है। जैसे डायबिटीज के पेशेंट है वो भी इस मिल्क शेक को पी सकते हैं। बस इतना फर्क है कि वो जब मिल्क शेक बनाए तो उसमें चीनी ना डाले, और वैसे आप चीनी डाल करके इसको पी सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इसके लिए मुझे किसकी चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये 500 ग्राम मैंने पकी वाली बेल ली है, यह हमें इजीली मार्केट में मिल जाती है। 2 ग्लास फुल क्रीम चिल्ड दूध लिया है। अगर आप फुल क्रीम दूध नहीं पीते हैं तो आप सादा दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपको चीनी नहीं डालनी है तभी बेल मीठी होती है तो शरबत अच्छा लगता है पीने में। 4 से 5 छोटी इलायची, ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना पसंद है तो आप डालें, अगर इसको नहीं डालना चाहते तो आप इसको ना डालें। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ, बनाते कैसे। मैंने इस बेल को तोड़ लिया, तोड़ने के बाद इसके अंदर जो तभी ये पल्प था वो मैंने निकाल लिया। निकालने के बाद इसको देखिए इस तरीके से, मैंने पल्प जितना भी था उसको निकालने के बाद 1 ग्लास पानी लिया, उसके अंदर इसको भिगो दिया 1 घंटे के लिए। भिगोने से एक फायदा यह होता है कि पल्प बहुत आसानी से इसके अंदर से निकल जाता है और बीज भी अलग हो जाते हैं। अगर हम पानी में नहीं भिगोएंगे तो निकलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने इसको 1 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया, जिससे कि ये फूल गया है। अब मैं इसको इस मैशा से दबा देती हूँ, जिससे कि ये आसानी से इसमें से पल्प निकल जाएगा। अगर आपके पास ये मैशा नहीं है तो आप चम्मच से भी इसका निकाल सकते हैं। देखिए आप इस तरीके से चम्मच से भी इसको कर सकते हैं, जिससे कि इसमें से आसानी से पल्प निकल जाएगा। मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया है। अब मैं इसको छलनी से छान लेती हूँ, क्योंकि इसमें जितने भी रेशे होंगे वो छलनी में रह जाएंगे और पल्प नीचे आ जाएगा। अब इसी तरीके से एक इसका शरबत भी बना सकते हैं, उसमें आप दूध का इस्तेमाल ना करें तो शरबत बन जाएगा। मैंने बेल के शरबत की रेसिपी अपने चैनल पे डाल रखी है, आप वहां पे देख सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप इसको अच्छे से मैश करते हुए इसका पल्प निकाल लें। आप इसे मिक्सी से ना पीसे, अगर आपने मिक्सी से अगर इसको पीसेंगे तो इसके अंदर जो बीज होते हैं वो थोड़े कड़वे होते हैं, जिससे कि आपका मिल्क शेक कड़वा बनेगा, इसीलिए आप मिक्सी से ना इसको पीसे। अगर पीसना है तो आप हाथ से पहले इसके बीज सभी निकाल लें, इसके बाद आप मिक्सी से पीस सकते हैं। देखिए जितने भी रेशे थे वो चलनी में रह गए हैं और पल्प नीचे आ गया है। देखिए अब मैं आपको बनाना बताती कैसे बनाते हैं। ये मैंने मिक्सी का जार लिया है, बेल के पल्प को मैं इसमें डाल देती हूँ। चीनी, इलायची, अब मैं इसके अंदर दूध डाल देती हूँ। आइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें कि जितने भी आपको ठंडा पीना है इसके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अब मैं इसको ग्राइंड कर लूंगी। देखिए कितना बढ़िया मिल्क शेक बनके तैयार हुआ है बेल का, देखिए, और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाता है। आपकी एक कंप्लेंट आती है मेरे पास कि मैडम हमारे झाग नहीं बनते, के लिए 2-3 चीजों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो जिस दूध का आप इस्तेमाल करते हैं वो फुल क्रीम हो, दूसरा दूध चिल्ड होना चाहिए,
और उसमें आइस जो डली होती है इसकी, ये तीनों चीजें मिल जाती है तो उसके अंदर झाग बनते हैं। देखिए इसमें भी देखिए झाग बने हुए हैं। अब बस इस चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपके शेक में भी झाग जरूर आएंगे। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप बेल का मिल्कशेक जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइए ये आपको कैसा लगा। ये बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, फायदा तो बहुत ज्यादा करता है। ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। आपको आज का हमारा ये एपिसोड देख के कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। हम आशा करते हैं कि आपको बनाने में तो मजा आता ही होगा, क्योंकि आप कमेंट में भी हमें जरूर बताइएगा कि आपको कौन सी रेसिपी आपको देखनी है और आपको बनानी है हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो हम आपके लिए ऐसे ही कल इससे भी बढ़कर एक और लाजवाब और स्वादिष्ट रेसिपी लेकर आएंगे और आपके बीच शेयर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम आपसे फिर कल मिलेंगे इसी स्थान पर इसी टाइम पे। तो तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहे साहित्य टाइम्स। धन्यवाद।